बोल रही है काओ काओ यस लर्नड अ न्यू वर्ड काओ जियो जियो से काओ बताओ काओ कैसे करती है काओ कैसे करती है जियो काओ से कितनी सारी काओ है देखो कितनी सारी काओ है ब्लैक व्हाइट ब्राउन ब्राउन कलर ब्लैक कलर वो व्हाइट कलर काओ सो मेनी कलर हम गौशाला आए थे हमने सोचा जन्मदिन की दिन की शुरुआत जो है वो हम गायों की सेवा से करते हैं तो मैं और पापा जो है यहाँ आए थे इस काम के लिए तो हम टिया को साथ में ही ले आए और यहाँ आते ही उसने काऊ बोलना सीख लिया गौ माता का करिश्मा देखो गायें बहुत ही स्मार्ट हैं उन्हें पता है उनका चारा है ये सब अपने अपने बढ़िया तरीके से स्पीड से पहुंच गई हैं सब पापा चारे की तरफ सब स्पीड से पहुंच गई हैं गायें चारे की तरफ हाँ सब स्वस्थ गायें हैं गौशाला के एक हिस्से में ना ऐसी गायें रखी जाती हैं जिनका दूध निकाला जाता है और आगे जाके बेचा भी जाता है और कई सारे लोग हैं जो यहाँ के गायों की सेवा करते हैं एक हमारे नेबर में ही एक अंकल हैं जो हर सुबह बहुत सारी रोटियां जो हैं काफ़ी सारे घरों से कलेक्ट करके इधर लेकर आते हैं गौ माताओं को चढ़ाते हैं तो काफ़ी लोग हैं जो इधर आके बहुत सारी सेवाएँ करते हैं ये तूड़ी भी लोगों ने दान की हुई है कई लोग पट्ठे डाल जाते हैं जैसे हमने चारा डाला था अभी तो काफ़ी पॉपुलर है ये गौशाला हमारे गंगानगर की इसका नाम श्री गौशाला ही है तो यहाँ गौशाला में एक मंदिर भी है तो हम इसी मंदिर में दर्शन करने आ गए हैं यहाँ हवन भी चल रहा है काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये गौशाला काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो हम लोग गौशाला से वापस आ गए हैं और टिया का हो गया है ब्रेकफास्ट और अब हो रही है पाव भाजी की तैयारी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए कढ़ाई उसमें ऑयल डालिए जीरा डालिए जीरे के तड़कने तक उसे रहने दीजिए उसके बाद उसमें डालिए बारीक कटा हुआ प्याज उसके गोल्डन ब्राउन होने पे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालिए मसालों में डालिए हल्दी स्वादानुसार नमक देगी लाल मिर्च एक चम्मच पाव भाजी मसाला MDH का मैंने इस्तेमाल किया है एक चम्मच आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले चेंज कर सकते हैं मीनवाइल मैंने एक कुकर में आधा ग्लास पानी डाल के सब्जियां डाल दी थी आलू गोभी मटर गाजर कोई भी सब्ज़ी आप डाल सकते हैं भाजी बनाने के लिए इसमें मैंने सिम पे दो विसल दिलवाई हैं ये बॉईल हो चुकी हैं अब इसको मैशर से मैश कर दीजिए और इसे उस मसाले में ऐड कर दीजिए अब हिलाइए इसे अच्छे से मिक्स करिए और आप इसमें पानी ऐड करिए जितनी आप इसमें कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं उतना ही पानी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए और फिर आप इसमें डालिए मक्खन मक्खन अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं बाकी भाजी में जितना मक्खन उतना ही ज़्यादा स्वाद आता है और फिर उसे ढक दीजिए और सिम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकने दीजिए तो हमारी भाजी हो गई है तैयार मीनवाइल मैंने पिज़्ज़ा सैंडविच की तैयारी शुरू कर दी थी फ्रोज़न स्वीट कॉर्न मैंने यूज़ किए हैं ऑलिव्स मैंने यूज़ किए हैं जिन्हें मैंने गर्म पानी में डाल दिया है 2 मिनट के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में बटर ले लिया है मैंने उसमें मैंने डाला है बारीक कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और उसमें मैंने ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न की स्टफिंग ऐड कर दी है अब इस मिक्सचर में आप स्वादानुसार नमक डालिए और काली मिर्च डालिए मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लीजिए आप अपने ही हिसाब से
पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस ऐड की है मैंने इसमें डॉक्टर ओएटकर की। वैसे यूजुअली मैं वीबा की यूज़ करती हूँ, जो अवेलेबल था मैंने यूज़ कर दिया। वीबा की बेटर टेस्ट देती है। तो स्टफिंग हो गई है हमारी तैयार। अब हमें सैंडविच बनाने के लिए बटर चाहिए, जिसे 10 सेकंड माइक्रोवेव में रख के मैंने मेल्ट कर लिया है। डाइस्ड मोजरेला चीज़ जो अमूल ब्रांड का मैंने लिया है, और हम मेयोनीज यूज़ करेंगे जो मैंने फन फूड्स की ली है। दो ब्रेड स्लाइस ले लीजिए आप, एक साइड पे लगाइए बटर, दूसरी साइड पे आप लगाइए मेयोनीज। अब मेयोनीज वाली साइड के ऊपर आप फिलिंग लगा दीजिए, और उसके ऊपर आप लगा दीजिए मोजरेला चीज़, उसे कवर कर दीजिए। सैंडविच के दोनों ब्रेड्स पे बाहर की तरफ से आप बटर लगा दीजिए और उसे टोस्टर में रख दीजिए। वैसे आप तवे पे भी बना सकते हैं। मैं डोसा तवा यूजुअली यूज़ करती हूँ, आज क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है इसीलिए मैं टोस्टर का यूज़ कर रही हूँ। साथ के साथ हमने पाव रख दिया बटर लगा के। अगर आप तवे पे पाव भाजी मसाला और धनिया डाल के पाव गरम करेंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। मीनवाइल मम्मी की किटी पार्टी होने वाली है ख़त्म, और बस अब खाना सर्व करेंगे और पार्टी हो जाएगी ओवर। और इसके बाद एक ज़रूरी सूचना, आज मेरे डैड का भी बर्थडे है, तो अब हम उनका केक कटिंग कर रहे हैं। उनकी फ्रेंड्स पार्टी चल रही है। ये दीवारे का फेवरेट मोमेंट है, केक कटिंग। और फिर हमारी किट्टी पार्टी हो गई है ख़त्म, और हम हो गए हैं फ्री। बट हमारे सर में हो गया बहुत दर्द, क्योंकि सारा काम कर करके अब बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। अब हम चाय पियेंगे बिंदास होके। और मम्मी आपकी कैसी थी किट्टी पार्टी? डिड यू एंजॉय? ये देखो हमारी टीयू ने खूब इंजॉय किया। टीयू हमारी परेशान हो जाती है किसी भी पार्टी में ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम मैं आपको अपनी किचन दिखा देती हूँ कि हमारी किचन का क्या हाल हुआ है। एक्चुअल में किसी भी पार्टी के बाद ना किचन का जो कमाल का हाल होता है ना भाई गॉड, ये हमारी किचन का हाल है। ऐसी भयंकर तरीके से हमारी किचन जो है वो फैली हुई है ना। और ये रहे मेरे ब्यूटीफुल रोजेस जो मैंने वास में डाल दिए हैं। Aren't they looking beautiful? आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में बहुत जल्द। एंड यस, इट वॉज़ अ लवली डे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, फॉर लॉट्स ऑफ लव विशेज एंड ब्लेसिंग्स जो उन्होंने मुझे दी हैं आज के दिन। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले, कॉल्स आई, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। तो अब मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव टिल देन। बाय बाय।